थंबनेल देख लिया ना, तो आज किस टॉपिक में वीडियो बनाएंगे? जी हाँ, आज कंप्रेसर का ऊपर वीडियो बनाएंगे, एयर कंप्रेसर के ऊपर। एयर कंप्रेसर को लेके आप लोगों को बहुत सवाल रहता है, किस टैंकी के साथ कितना एचपी का एयर कंप्रेसर फिट होगा, किस में कितना लोड देना चाहिए, ये सबका टोटल जो कन्फ्यूजन है ये आज आप लोगों को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। अगर आपका पास कंप्रेसर मशीन है या फिर आप सोच रहे कि एक कंप्रेसर मशीन हमको खरीदना चाहिए, लेकिन ये कंफ्यूजन में आ गया आपकी कितना कैपेसिटी का कंप्रेसर लेने से अच्छा होगा, उसका टैंकी का साइज कितना होना चाहिए, वो टैंकी का साइज में कितना एचपी का कंप्रेसर यहाँ पे बीटेगा, मोटर कितना हॉर्सपावर का लग सकता है उसमें, सब बताएंगे। तो वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आप मिस ना करें। तो सबसे पहले बात करते हैं एयर कंप्रेसर मशीन का। देखिए, एयर कंप्रेसर मशीन जो है ये सिंगल पिस्टन में आता है, डबल पिस्टन में आता है, तीन पिस्टन में भी आता है, लेकिन किसका कैपेसिटी कितना है? शुरुआत करते हैं एक हॉर्सपावर कंप्रेसर से लेके। एक हॉर्सपावर जो कंप्रेसर मशीन है ये नेचुरली सिंगल पिस्टन का होता है, ये बहुत कंपनी का होता है, लेकिन सब में वही एक ही पिस्टन रहता है। इसमें एक हॉर्सपावर में डबल पिस्टन बहुत कम आता है। अभी एक हॉर्सपावर के साथ मोटर कितना लगेगा? एक हॉर्सपावर के साथ मोटर भी आपका एक हॉर्सपावर ही लगेगा, 1 HP का मोटर लगेगा, लेकिन 1 HP का मोटर में आजकल बहुत लाइट मोटर दे रहा है। कोशिश करिएगा कि मोटर थोड़ा हैवी दे, क्योंकि मोटर का लोड से ही ये चलता है। 1 HP कंप्रेसर का टैंकी होता है मैक्सिमम 300 पाउंड। इसमें आप 100 पाउंड 200 पाउंड तो आराम से लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 300 पाउंड भी इसमें लगा सकते हैं। लेकिन सबसे कंफर्टेबल पार्ट है 200 से 250, ये सबसे कंफर्टेबल पार्ट है। कोशिश करिएगा 200 पाउंड लगाने का, नहीं तो 250 पाउंड लगाने का। 300 पाउंड भी चला गया कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन 300 पाउंड लेने से आपका मोटर थोड़ा हैवी देना पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं 2 hp कंप्रेसर का। 2 hp कंप्रेसर में दो तरह का पिस्टन दिखा जाता है, एक हो गया आपका सिंगल पिस्टन वाला, एक डबल पिस्टन वाला, ये दो ही मिलता है। 3 पिस्टन वाला इसमें भी नहीं आता है। अभी सिंगल पिस्टन से डबल पिस्टन वाला थोड़ा अच्छा होता है, हैवी होता है। ठीक है, तो ये 2 hp कंप्रेसर के साथ आपका मोटर कितना लगेगा बताइए, कितना लगेगा? एकदम सही है, 2 hp का मोटर लगेगा इसमें, और 2 hp का मोटर ये भी हैवी देना पड़ेगा, लाइट मोटर नहीं चलेगा, ये पहले ही हम आप लोगों को बता देते हैं। कुछ दिन चलेगा ठीक ठाक, लेकिन बाद में फिर बिगड़ जाएगा, तो इस बात पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी इसका टैंकी कितना चाहिए देखिए। 2 hp जो कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर के साथ टैंकी आपका, आप यहाँ पे 250 पाउंड लगा सकते हैं, 300 पाउंड लगा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे 500 पाउंड तक लगा सकते हैं 2 hp के साथ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी आता है 3 hp कंप्रेसर का। 3 hp कंप्रेसर में आपको सिंगल पिस्टन वाला पिस्टन मिल जाएगा, डबल पिस्टन वाला मिल जाएगा, 3 पिस्टन भी इसमें आता है कभी कभार, रेयर। ठीक है, तो इसके साथ आपका मोटर लगेगा 3 hp, 3 hp का मोटर लगेगा। टैंकी जो होगा, टैंकी आप इसमें 500 पाउंड से शुरुआत है, मान लीजिए 500 पाउंड टैंकी लगा सकते हैं। अगर आपको 500 पाउंड से नीचे चाहिए कैपेसिटी, तो आपको ये 3 hp कंप्रेसर का लेने का जरूरत नहीं है, 2 hp में भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप 500 पाउंड लगा सकते हैं, 750 पाउंड लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 5 hp कंप्रेसर क्या होता है? 5 hp कंप्रेसर देखिए थोड़ा हैवी होता है, बड़ा होता है। इसमें आपको जनरली डबल पिस्टन वाला सिलेंडर मिलता है, डबल पिस्टन वाला कंप्रेसर मिलता है। ठीक है, और 3 पिस्टन भी इसमें आता है। सिंगल पिस्टन इसमें बहुत रेयर मिलता है, सिंगल पिस्टन में ये थोड़ा लाइट हो जाता है, तो सिंगल पिस्टन आप ना ले वही अच्छा है 5 hp कंप्रेसर में। और इसमें आपका टैंकी जो लगेगा वो आप 750 का टैंकी लगा सकते हैं, 1000 का टैंकी लगा सकते हैं इसमें, 1000 पाउंड 750 पाउंड का टैंकी इसमें लगेगा। 500 भी चलेगा, लेकिन 500 में थोड़ा कंप्रेसर के हिसाब से थोड़ा हल्का हो जाएगा, तो 500 मत लगाइए, 750 या 1000 का लगाइएगा। 1 hp से 5 hp तक टोटल जानकारी आप लोगों को आज दे दिया। तो जब आप कंप्रेसर परचेस करिएगा, कोई से भी परचेस करिए, परचेस करने का टाइम ये सब चीज़ में थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा अगर आप इस चैनल में नए आए हो, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए हर नए वीडियोज़ का। और कमेंट्स पे आप लोगों का रिक्वायरमेंट या कोई प्रॉब्लम हो इंजन के बारे में आप पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने का कोशिश ज़रूर करेंगे। थैंक यू।